दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 5 रुपये का निकल ब्रास क्वाइन जो फर्स्ट बार 2009 में इशू किया गया था, यानी यह क्वाइन 2009 और 2010 में ही इशू किया गया फ्लावर पैटर्न पर, और इसके बाद 2011 में रुपी सिंबल वाला 5 रुपीज क्वाइन इशू किया गया था। तो आप मेरे हाथ में यह निकल ब्रास क्वाइन जो देख रहे हैं, इसका वजन 6 ग्राम, डायमीटर 23 mm, थिकनेस 2 mm, शेप इसका सर्कुलर, और एज माइल्ड एज या रिडेड एज आप बोल सकते हैं इसे। इस तरह का क्वाइन 2009 में भारत के 3 ही मिनट से इशू किया गया था, और मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। तो मुंबई के क्वाइन में तो कोई डाई वैरायटी नहीं आता है, लेकिन 2009 के क्वाइन में, कोलकाता मिंट के क्वाइन में, आपको 2 तरह का डाई वैरायटी देखने को मिलेगा। वह 2 तरह का डाई वैरायटी जो यूज किया गया है, उसका रिवर्स भाग में आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स भाग यानी यह क्वाइन का ओवर्स भाग है, जिधर लायन होता है उसे ओवर्स, और जिस साइड में लायन नहीं होता है उसे रिवर्स बोलेंगे। ओवर्स भाग में आपको किसी प्रकार का कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, यानी भारत लेजेंड जो लिखा हुआ है उसे आप देखेंगे तो दोनों में एक ही प्रकार का लायन, दोनों में एक ही प्रकार का देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम इसके रिवर्स भाग को देखते हैं तो रिवर्स भाग में हमें यहाँ पर कुछ अंतर देखने को मिलता है, और यह अंतर डाई वैरायटी के कारण है। आप जब देखें ध्यान से यह 5 आपको, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे जब, तो आपको 5 जो लिखा हुआ है यानी डिनोमिनेशन जो 5 है, वह आपको 2 तरह से नज़र आएगा। एक में डिनोमिनेशन बड़ा है और एक में डिनोमिनेशन छोटा है। रुपए आप देख रहे हैं लिखा हुआ, तो एक एज से सटा हुआ है कि बहुत करीब है, और एक एज से बहुत दूर है। ठीक उसी तरह से 2009 जब आप देखेंगे तो 2009 भी देखिए कि एक बहुत करीब है एज का और एक दूर है। यह डाई वैरायटी दोनों कलेक्टेबल है। किसी भी मिंट का अगर डाई वैरायटी आपको मिलता है 2 तरह का 3 तरह का, तो वह क्वाइन कलेक्टेबल हो जाता है। भले ही वह साधारण क्वाइन क्यों न हो, अगर बहुत अच्छा कंडीशन में इस तरह का क्वाइन फ्यूचर में आपको कुछ बेनिफिट दे सकता है। अभी यह क्वाइन दोनों BUNC कंडीशन में 150 रुपये तक बिक रहा है। फ्यूचर में इसका प्राइस और आगे जा सकता है। मिंट मार्क की पहचान आप 2009 के नीचे देखेंगे तो 2009 के नीचे आपको 9 मिंट मार्क नज़र आएगा। कोलकाता मिंट के क्वाइन में 9 मिंट मार्क होता है। दोनों या तीनों डाई वैरायटी का मिंटिंग इक्वल हुआ हो, बराबर हुआ हो, उसमें से एक डाई का मिंट कम होता है और एक डाई का वैरायटी जो है मिंटिंग वैरायटी वह ज़्यादा होता है। तो जो उसमें से कम मिंटिंग हुआ होगा वह कलेक्टेबल हो जाता है। ठीक इसी तरह से 2009 में आप जब हैदराबाद के क्वाइन को देखेंगे तो हैदराबाद क्वाइन में आपको
दोनों तरफ से देखने को कुछ मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर हैदराबाद के मेरे पास 3 क्वाइन हैं, यानी ईयर के नीचे 2009 के नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट स्टार मिंट मार्क नज़र आएगा। और किसी भी क्वाइन को पहचानने के लिए आपके पास एक अच्छा सा मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्राइस में मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं मिलता है, 200-300 रुपए में मैग्नीफाइंग ग्लास, 400-500 तक आपको अच्छा क्वालिटी का मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाएगा। आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखें और अपने क्वाइन को पहचानने के लिए यानी मिंट मार्क को पहचानने के लिए आप किसी के पास नहीं दौड़ेंगे कि नोएडा का है कि बॉम्बे का है या हैदराबाद का है। अगर आपके पास होगा, कुछ जानते होंगे, तो मिंट मार्क आपको आसानी से क्वाइन में नज़र आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2009 का हैदराबाद मिंट का यह क्वाइन आप देख रहे हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो यह 3 क्वाइन है और तीनों क्वाइन को एक साथ रखने का कारण है कि इसमें वैरायटी अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का आपको 9 नज़र आ रहा होगा। 9 जब देखेंगे तो एक का 9 यानी 9 घुमा हुआ है नीचे से, और एक का 9 जो है घुमा हुआ नहीं है, नीचे से मुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यह 9 मुड़ा हुआ है। 5 आप जब देखेंगे तो 5 आपको छोटा और बड़ा नज़र आएगा। 5 भी दो तरह का इसमें है, बड़ा और छोटा। यह दो वैरायटी यानी 9 में ही दो तरह का 9 दिखाया और एक में राउंड वाला 9 दिखाया। ये 3 क्वाइन, ये राउंड वाला 9 को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका काम समाप्त हो गया है। और ये दिखाना था कि ओवर्स और रिवर्स दोनों में अंतर है हैदराबाद के क्वाइन में। अब इस दोनों क्वाइन को देखेंगे तो दोनों 9 सेम है, दोनों का 9 देखिए एक ही प्रकार का 9 है, 2009 लिखावट दोनों एक प्रकार का है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि एक का 5 बड़ा है और एक का 5 छोटा है, बड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा या आपको अस्पष्ट इसमें, क्योंकि यह जब देखिए एक एकदम ए से सटा हुआ है और एक थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसमें दो वैरायटी है आपको ओवर्स में। देखिए आप इस साइड में देखिए, यहाँ पर लायन आपको दो तरह से, और इंडिया जो लिखा हुआ है देख रहे हैं, इंडिया एक में थीन इंडिया लिखा हुआ है और एक में मोटा इंडिया लिखा हुआ, आई मोटा है, एन मोटा है, डी मोटा है, आई मोटा है, ए मोटा है। और इसमें देखिए आई एन डी आई ए पतला है, एक का लायन आपको फ्लैट उभारा हुआ नज़र आएगा और एक का लायन चिपटा नज़र आएगा। अब देख पा रहे होंगे एक का लायन, इसका लायन उभरा हुआ है, इसका लायन और इसका लायन चपटा है। तो यह डाई वैरायटी आपको हैदराबाद मिंट से 3 तरह का नज़र आया। इसका लायन जब देखेंगे आप तो इसका लायन भी इससे मैच करता है, यानी यह डाई और यह डाई ओवर्स का दोनों का एक डाई है। लेकिन जब रिवर्स में इसको देखेंगे तो यह डाई देखिए, ए वाला डाई जो यूज किया गया होगा, यह दोनों का डाई अलग अलग है। देखिए 9 से ही इसे पकड़ेंगे, 9 देखिए दो तरह का है,
तो इसका रिवर्स डाई अलग हुआ, और इसमें जब इस कॉइन को शामिल करेंगे तीनों को, इसको अब हटा देते हैं तो इसका देखेंगे तो यह दोनों ओवर्स के तरफ से दोनों का डाई ओवर्स अलग अलग है। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह का कॉइन दोनों पेयर में 150 रुपये के आसपास रखता है, और अगर इसको भी शामिल कर लीजिए तो ये 250-300 रुपये के आसपास, अगर तीनों कॉइन हो तो यह 250-300 रुपये के आसपास से अभी मार्केट प्राइस रखता है बहुत अच्छा कंडीशन में। और इसमें यह कॉइन कम नज़र आता है, ओवर्स के तरफ से जो मोटा वाला इंडिया लिखा हुआ है यानी लेजेंड जिसमें मोटा है वह कॉइन कम नज़र आता है। चलिए, जानकारी के लिए फिर एक बार थैंक यू।